बेवकूफ है दुनिया जो भूतों से डरती है। चौबीस घंटे के अंदर ही 20 मिलियन व्यूज, नंबर 1 पर ट्रेंडिंग और एक मिनट में 700 करोड़ का प्रोडक्शन, फिर भी क्यों रोने लगे भूल भुलैया 3 के डायरेक्टर? सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि भूल भुलैया 3 का टीजर जो कि 27 सितंबर को रिलीज किया गया, उसके बाद हमें एक और सरप्राइज मिलने वाला है, वो भी अक्टूबर में, जहां पर उनके न्यू एडिशन धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित का एक जबरदस्त गाना हमें देखने को मिलने वाला है। अब ये किस तारीख को आने वाला है ये पता नहीं, पर आप तैयार रहिए। वैसे टीजर देखने के बाद जहां लोग खुश है वहां पर उनके डायरेक्टर अनीस बज्मी तो रोने लगे हैं। अब वो किस बात का दुखड़ा गा रहे हैं? टीजर ने इन्हें रुला दिया, जबकि टीजर को तो हंसाने और डराने के लिए दिखाया गया है ना, तो इनका रोना इसलिए है भाई क्योंकि इतना बढ़िया रिस्पॉन्स जो मिला है टीजर को, तो इनकी आंखों में आंसू आ गए हैं। भाई साहब इमोशनल हो गए और कहने लगे कि मैं तो धन्य धन्य हो गया। नहीं मतलब उन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सेरेमनी का कोई स्पीच नहीं दिया, बट उन्होंने सोशल मीडिया पर यही बताया है कि वो उस रिस्पॉन्स से खुश है और फिल्म की कास्टिंग से भी। वैसे विद्या बालन के वो फैन है ही, पर टीजर का विद्या का जो लुक स्पेशली वायरल हो रहा है अभी, उससे वो बहुत खुश है। जिसमें कि विद्या बालन इस बार पुरानी वाली मंजुलिका नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि मॉडर्न स्टाइलिश अंदाज में दिखाई दे रही है। और आपने उनका वो एक हाथ में कुर्सी उठाने वाला शॉट देखा होगा, तो अभी वो काफी वायरल हो रही है। मंजुलिका का ये अंदाज, ये वर्जन ऑडियंस को काफी पसंद आ रहा है। फैंस तो सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि ये दिवाली मंजुलिका के साथ सेलिब्रेट करने के लिए वो एकदम रेडी है। तो ये सब देखकर ये भाई साहब खुशी से रोने लगे। वैसे ओरिजिनल मंजुलिका तो हमें दिखाई दी, पर ऐसा हो सकता है कि तब्बू भी शायद इस फिल्म में एंट्री मार के चली जाए। अब इस टीजर को बहुत ध्यान से अगर देखा जाए तब भी हमें तब्बू तो कहीं नजर नहीं आती है, पर कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि तब्बू का इस फिल्म से कोई तो लेना देना होगा, जो कि पार्ट 2 में दिखाई दी थी, क्योंकि उनकी कहानी वहां अधूरी छोड़ी गई थी। और अगर अनीस ने पार्ट 2 और पार्ट 3 का कोई कनेक्शन बनाया होगा तो तब्बू की बात अधूरी छोड़कर कैसे चलेगा भला। खैर अब ऐसा ट्विस्ट देखकर ना हम खुश तो हो ही जाएंगे, पर फिलहाल तो कार्तिक आर्यन वर्सेस विद्या बालन यानी कि मंजुलिका वर्सेस रूह बाबा ये नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। और कार्तिक ने अपने सोशल मीडिया पर इस सब के लिए थैंक यू भी बोला है। वैसे उन लोगों को भी उन्होंने थैंक यू बोला है जिन्होंने टीजर पर वक्त निकालकर रिएक्शन दिया है, जैसे कि भूमि पेडनेकर ने 2 तालियां बजाई, प्रतिभा रांटा यानी कि लापता लेडीज की जया उन्होंने भी 2 हार्ट इमोजीज भेजे, तो सेलिब्रिटीज भी रुके नहीं, और अगर रुक जाते ना तो मंजुलिका उन्हें पकड़ लेती। वैसे अगर कमेंट्स में इतना प्यार मिल रहा हो तो टीजर व्यूज के मामले में पीछे कैसे रहेगा? तो 24 घंटे के अंदर ही इसने 20 मिलियन व्यूज हासिल किए हैं, इससे इस फिल्म को लेकर क्रेज समझ में आता है। तो अब ये सब देखते हुए सिंघम अगेन के मेकर्स क्या कहेंगे? वैसे वो तो यही सोच रहे होंगे कि अब हमें इससे भी कुछ बढ़िया करना होगा, इसलिए तो 3 अक्टूबर को डायरेक्टली ट्रेलर भी ला रहे हैं, क्योंकि कार्तिक और उनके टीजर को मिले रिस्पॉन्स आते ही ट्रेंड करने लगे। ये सब बहुत बड़ी बातें हैं, और कुछ लोगों ने तो एक टीजर से ना 700 करोड़ का प्रोडक्शन भी कर लिया है, तो इसे सिंघम अगेन वाले अलर्ट तो हो ही गए होंगे। तो देखना ये है कि 3 अक्टूबर को जब सिंघम अगेन का ट्रेलर आएगा तो उससे कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, और भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन में कौन बाजी मारता है व्यूज और ऑडियंस के प्यार के मामले में, लेट्स सी। वैसे आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। बिकम एन एक्टर इन बॉलीवुड, व्हाट्सएप हाई टू 8828858888।